स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के सैकड़ों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, पर जिस स्ट्रैटेजी ने सबसे ज़्यादा और लगातार पैसे बनाए हैं वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही स्ट्रैटेजी मानते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और हम कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझें, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग ना सिर्फ बस एक स्ट्रैटेजी है बल्कि हर बड़े इन्वेस्टर्स का बताया हुआ इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग .in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों, शॉपिंग में अक्सर जब अच्छी चीज़ों पर डिस्काउंट मिलता है तो हम उसे बाय करते हैं, क्योंकि तब हमें 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये या 70 रुपये में मिल जाती है, जो कि हमें अच्छा लगता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें बिल्कुल इसी तरह स्टॉक्स बाय करना सिखाता है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें किसी स्टॉक्स को तब बाय किया जाता है जब वो डिस्काउंट में मिल रहा हो, और डिस्काउंट में मिलने वाले स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी महान इन्वेस्टर्स बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने। दोनों ने सबसे पहले साल 1934 में पब्लिश अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में इस स्ट्रैटेजी से स्टॉक्स बाय करने की एडवाइस दी थी, जिसे बाद में उन्होंने 1949 में पब्लिश अपनी दूसरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में और अच्छे से समझाया। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए पहले हमें इसके तीन बेसिक थ्योरीज को समझना होगा। पहली थ्योरी यह है कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हर कंपनी की एक वैल्यू होती है, जिसे इंट्रेंसिक वैल्यू कहा जाता है, और एक कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू उस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करती है। वहीं हर कंपनी का स्टॉक का प्राइस मार्केट पर डिपेंड करता है, और कंपनी के स्टॉक प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से कम, ज़्यादा या बराबर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये पर शेयर है तो हो सकता है कि उसका स्टॉक प्राइस 120 रुपये या 150 रुपये या 70 रुपये या 50 रुपये हो। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम किसी स्टॉक को तभी बाय करते हैं जब उसकी स्टॉक प्राइस उसके इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर से कम हो। दूसरी थ्योरी यह है कि शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस में उतार चढ़ाव होना रिस्क नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जनरली फाइनेंस में ये माना जाता है कि किसी स्टॉक की प्राइस जितनी तेजी से चेंज होती है वो स्टॉक उतना रिस्की होता है, पर वैल्यू इन्वेस्टिंग इस लॉजिक को बिल्कुल नहीं मानता। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस के तेजी से चेंज होने की वजह से ही स्टॉक्स की प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू से कम हो जाती है और हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दोस्तों, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय करने में रिस्क ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है, क्योंकि उस समय पर हमें 100 रुपये का स्टॉक 80 रुपये या 60 रुपये या 50 रुपये में मिल सकता है। और तीसरी थ्योरी यह है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस लॉन्ग टर्म में अपने इंट्रेंसिक वैल्यू को ही फॉलो करती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स की प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में हर कंपनी के स्टॉक प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि एक स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये हो पर मार्केट में उसकी प्राइस 50 रुपये हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक की प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू यानी 100 रुपये तक ज़रूर जाएगी। साथ ही ये भी हो सकता है कि एक स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू 50 रुपये हो पर मार्केट में उसकी प्राइस 100 रुपये हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक की प्राइस भी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू यानी 50 रुपये पर आ जाएगी। यानी कि दोस्तों, स्टॉक की प्राइस लंबे समय में अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से ना ज़्यादा रहती है ना कम, बल्कि हर स्टॉक की प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर नीचे मूव करती रहती है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्हीं तीन थ्योरीज पर काम करती है, और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, हॉवर्ड मार्क्स, सेथ क्लारमैन और इंडिया में रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकिशन दमानी, सभी ने बस इसी स्ट्रैटेजी से लगातार हजारों करोड़ रुपये बनाए हैं। पर आज के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो है, पर इसे फॉलो करना आसान नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में हमें उन स्टॉक्स को बाय करना होता है जो अंडर वैल्यूड हैं, और कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड तभी होता है जब मार्केट में ज़्यादातर लोग उसे सेल कर रहे हों। ऐसे में हमें उस स्टॉक को सबसे अलग सोचते हुए बाय करना होता है, जो कि एक बहुत मुश्किल स्टेप होता है,
पर यही मुश्किल स्टेप सफल और असफल इन्वेस्टर्स को अलग करता है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग दुनिया की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और अगर हम इसे ठीक से सीख जाएं तो हम भी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए हमारे पास चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है हार्डवर्क। दोस्तों, हमने देखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक्स को तभी बाय करते हैं जब उसका स्टॉक प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो गया हो। पर आखिर हमें किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलती है? तो इसका जवाब है कि किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। ये थोड़ा मेहनत भरा काम है और हमें इसके लिए बहुत सारे तरीकों को समझना और पढ़ना होता है, जैसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, ग्रोथ मॉडल एट्सेट्रा। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। दोस्तों, जब हम बहुत सारे स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमें डिसिप्लिन रखकर सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को बाय करना है जो अंडर वैल्यूड हैं, यानी जिनकी स्टॉक प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ना मिलने पर अपना डिसिप्लिन खो देते हैं और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, यानी वैसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। और फिर जब ऐसे स्टॉक की प्राइस गिरकर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाती है तो उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। हमें इस बात का डिसिप्लिन रखना है कि जब तक हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं मिलेगा हम स्टॉक्स को बाय नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है करेज, यानी हिम्मत। दोस्तों, जब अचानक मार्केट गिरता है तो बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है और उस वक्त पर उन स्टॉक्स को बाय करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि उस वक्त पर गिरते मार्केट को देखकर सभी लोग स्टॉक्स को सेल करने की एडवाइस देते हैं। ऐसे में उस टाइम पर बाय करने का डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, पर अगर हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट भी सबकी तरह ही रह जाएगा। इसलिए हमें गिरते मार्केट में हिम्मत और कॉन्फिडेंस से शेयर्स को बाय करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि हम वैसे ही कंपनियों के शेयर्स को बाय करें जो प्रॉफिटेबल हो और साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही हो और फ्यूचर में भी ऐसे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, साथ ही उस कंपनी की स्टॉक प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। दोस्तों, किसी भी शेयर के लिए हमारा पे किया प्राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा पे किया प्राइस ही डिसाइड करता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होगा या लॉस। जब तक हम किसी शेयर को बाय करने के लिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे करेंगे तब तक हमें प्रॉफिट हो सकता है। और चौथी चीज़ है पेशेंस, यानी धैर्य। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक्स को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम की प्राइस पर बाय करते हैं और हम अपने स्टॉक्स को सेल तब करते हैं जब उसकी प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। पर दोस्तों, हमारे बाय किए हुए स्टॉक की प्राइस बढ़कर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी कब होगी ये हम नहीं जानते, इसलिए हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय करने के बाद पेशेंस रखना होगा। मान लेते हैं कि हमने एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये कैलकुलेट की और उसी स्टॉक को 60 रुपये में बाय किया, पर अगर 3 महीने के बाद भी उस शेयर की प्राइस 60 रुपये ही है तो हमें उसे सेल नहीं करना है। हमें यहाँ पर पेशेंस रखना है और स्टॉक की प्राइस को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जाने तक का वेट करना है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये पेशेंस नहीं रख पाते और स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड बाय करने के बाद भी उन्हें लॉस होता है। दोस्तों, हर स्टॉक को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने में अलग अलग टाइम लग सकता है। हो सकता है कि कोई स्टॉक 3 महीने में ही अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास पहुंच जाए तो किसी स्टॉक को 2 साल लग जाए, पर अगर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन ठीक है तो हमें संयम से अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना होगा। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इमोशंस को कंट्रोल किए हम अंडर वैल्यूड स्टॉक को मार्केट के अगेंस्ट जाकर बाय नहीं कर पाएंगे। और फिर जब हमारा अंडर वैल्यूड स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लगाएगा तो हम उसे सेल ना करें, इसके लिए भी हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम पेशेंस से अपने स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाने का वेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। हमने इसमें जाना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और हम कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाले वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।